अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती का पूरा प्रश्न पत्र हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, जो ये वीडियो बन रही है, ये दोस्त हमारी ऑफिशियल आंसर की से बन रही है, ठीक है ना। हमारी देखिए पेपर टू में जो आंसर की जारी की गई वो सीरीज ए की गई है। बाकी बच्चे परेशान हो रहे कि सर बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पूरा प्रश्न पत्र हल ऑफिशियल पेपर से बना रहे, तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, यदि अंडर रूट में 1 + 27/169 = 1 + x/13, तो एक्स का मान पूछा गया था। इसका जो सही आंसर माना गया पेपर में उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, डी विकल्प। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 204 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका जो सही आंसर माना गया वो बी विकल्प माना गया, नो। ठीक है, हर क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि आपको बताना है। इसका सही आंसर आएगा 16 / 2/3। इसको जिन बच्चों ने टिक किया उनको एक नंबर और मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते संख्या होगी। इसमें दोस्तों बहुत से बच्चों ने इस विकल्प को टिक किया होगा, सी वाला लगा होगा, 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, तो मतलब 4 × 9 क्या होगा अपने 36 आ गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये पेपर बीपीएससी का था, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4 का ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ने भाई इतने हल्के क्वेश्चन पूछे नहीं थे। आपको लगा होगा, सोचना भी नहीं था कि यार ये विकल्प हो सकता है, जब पेपर का लेवल आपने देखा होगा। यदि दोस्तों a + b + c = 0, तो a² + bc + b² + ca + c² + ab, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 5 का c विकल्प, 3 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, 4 x + 1 + 4 - 1 - x = 10 का हल होगा। इसका सही आंसर आएगा 6 का d, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, जो ये डी विकल्प आया ना, इसके वजह से काफी बच्चों का पेपर खराब हो गया, ठीक है ना। काफी बच्चे उम्मीद नहीं करते यार कि ऐसा विकल्प होगा एक से अधिक वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, हिंदी में देख रहे हैं, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रम से ये आते हैं, तो पूछा गया है, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ए विकल्प, x - 2। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक खिलौना के एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धवृत्त गोले पर चढ़ा हुआ है, खिलौने की कुल आयत मतलब ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौनों का आयतन आपको बताना है। पाई का मान 22/7 दिया गया था, इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, 231 सेंटीमीटर³। देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने नंबर मिलाते जाइए, एक एक नंबर से आपकी नौकरी लग भी सकती है, आप बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप इस वीडियो में बताएंगे भी आपकी जो कट ऑफ जाएगी कितनी जाएगी, ठीक है ना। जी हाँ, सभी बच्चे परेशान होते हैं, सर जनरल की क्या जा सकती है, ओबीसी की क्या जाएगी, एससी एसटी और स्पेशली यूपी के छात्रों की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, क्लब में कितने सदस्य हैं ये आपको बताना था। तो सही आंसर होगा 200, सी विकल्प 450। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक ही वर्तमान आयु बतानी थी, तो सही आंसर होगा सी विकल्प 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है। सही आंसर होगा 200, डी विकल्प, एक से अधिक। ये वाला दोस्त विकल्प जहां पर भी बच्चों को मिला भैया बहुत बच्चों ने गलती किया, सही बता रही है, डी विकल्प ही। अगर किसी बच्चे का पेपर खराब हुआ तो ये डी और ई विकल्प की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ और दे देते भैया, लिख देते 5, तो भी दोस्तों बच्चे देख लेते कि सही सी होगा बी होगा, लेकिन इन्होंने एक से अधिक डाल के बच्चों को बहुत कन्फ्यूज किया। 12 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर² है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण आपको बताना था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बी विकल्प, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 15625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो।
तो 13 का 200 सही आंसर होगा बी विकल्प 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 3 के x² माइनस 25 के x प्लस के प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान, तो इसमें सही आंसर होगा दोस्त हमारा ए विकल्प होगा 1 आएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, लॉग 32 अंडर रूट 2 का मान होगा, सही आंसर आएगा दोस्तों सी विकल्प 10। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण 218 अंडर रूट में सेंटीमीटर में है तो अन्य दो भुजाएं होंगी। 16 का सही आंसर होगा दोस्तों ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं, अब बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, आपको यह बताना था, तो सही आंसर होगा दोस्तों वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश के अधीन, तो ये होगा सही आंसर सदिश। 19 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों खड़े होने की स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, सही आंसर होगा दोस्तों बैंगनी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी दोस्तों, गिरेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होगा, सही होगा रक्त प्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग क्या होती है दोस्तों, बताइए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो सही आंसर होगा विरंजक चूड़, इसको टिक करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आनुवंशिकता। ये साइंस वाला पार्ट थोड़ा सही था, इसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, ए मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी, ये होगी दोस्तों हमारा वनारोपण। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, दोस्तों टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो सही आंसरों का उपयुक्त में एक से अधिक, जी हाँ दोस्तों जब ये वाला विकल्प आपको दिखता होगा तब आपसे गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, होगा हमारा टार्टरिक अम्ल। 32 नंबर क्वेश्चन, कोलीफार्म क्या होते हैं, देखिए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, तो ये आपको बताना था। देखिए दोस्तों देख के जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है ना, देखिए आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, विमल पटेल। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं के प्रभावी प्रतिशत क्या था, सही आंसर होगा 10 से लेकर 15%। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के ओबीसी का दर्जा दिया है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, ये होगा दोस्तों हमारा मोरक्को का। 37 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये होगा दोस्तों हमारा गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर,
1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर सबसे मतलब पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्त हमारे इरविन जी। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित आई टू यू टू ग्रुपिंग का सदस्य है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए, उपयुक्त में एक से अधिक। जो दोस्त ये विकल्प आता है ना 40 नंबर में, मतलब उपयुक्त में एक से अधिक, यही बच्चे गलती बहुत किए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया? सही आंसर होगा दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये होगा दोस्त हमारा पापुआ न्यू गिनी में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? ये होगा दोस्त हमारा न्यूयॉर्क के। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सदस्यीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? सही आंसर होगा दोस्त हमारा यूएसए ने। तो 45 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, सही आंसर होगा दोस्त हमारा जार्जी गोस्पोर्ट डिनो को। 46 नंबर क्वेश्चन, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ये होगा दोस्त हमारा लिंडा याकारिनो। ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका होगा दोस्त यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए दोस्तों ऐसे विकल्प में ही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर वैसे क्या होता है बच्चे पढ़कर गए होंगे क्या थी, अब ऐसे में काफी बच्चों को कमी लगता होगा कि यार ऐसा विकल्प दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है, ये दोस्तों पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो सही आंसर होगा सी विकल्प कदम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ये होगा दोस्तों उपयुक्त में एक से अधिक, यही दोस्तों विकल्प है जो बच्चों को पता है, एक से अधिक वाला जब विकल्प आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी आपने एक विकल्प याद किया होगा तुरंत लगाओगे यार ये वाला सही होगा लेकिन एक से अधिक हो गया। 51 नंबर, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोस्त यहाँ पर भी उपयुक्त में एक से अधिक वाला सत्य है। ठीक है। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका सही आंसर होगा बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 53 नंबर क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सही आंसर होगा हमारा शुक्र को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है ना। तो सही आंसर होगा दोस्त वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? सही आंसर होगा दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ये पहला विकल्प। 56 नंबर क्वेश्चन, स्थानांतरण शील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चीना, बांग्लादेश, पहला विकल्प। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? दोपहर के दोस्त यहाँ पर 2 बज रहे होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या था, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सही आंसर होगा सी विकल्प, सिलिका और मैग्नीशियम। इन सब क्वेश्चन में नंबर मिलाइए, बिल्कुल सही वाले आंसर आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। 60 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म होगा? ये दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, दोस्तों ये देखिए सभी में यही विकल्प आपको मिल रहा होगा एक से अधिक वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला ही सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग सोचिए,
मतलब क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, गजब के लेवल है। तो सही आंसर होगा दोस्त हमारा जगजीवन राम। 62 नंबर क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ये होगा दोस्त उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए करिए सही आप लोग, गलत करने के लिए भैया बीपीएससी गजब का पेपर बनाए। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ये होगा दोस्त हमारा उरांव। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये होगा दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर होगा दोस्त हमारा सी विकल्प, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जल्दी जल्दी आप लोग नंबर मिलाते चलिए खाली। तो दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी निसेंसस पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग फिलहाल जल्दी जल्दी आंसर मिला लीजिए, सोचे कि वीडियो जल्दी से बनाए, काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर बी विकल्प सी विकल्प डी विकल्प नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए एक और वैकेंसी अक्टूबर में आने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है अगले साल तक आएगी बड़ी भर्ती, तो इस पेपर को याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगला पेपर भी इससे मिलता जुलता ही आएगा। अगर आपने दोस्तों पेपर 1 दिया होगा जैसे, उसके बाद हमारा जो पेपर हुआ था गर्ल्स वाला सेकंड वाला, काफी क्वेश्चन मैच भी हो रहे थे, इससे मिलते जुलते काफी क्वेश्चन थे, सेम तो नहीं आ सकते लेकिन मिलता जुलता था। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? सही आंसर होगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? सही आंसर होगा ए विकल्प होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ये 200 सही आंसर होगा हमारा पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन संबंधित थे? तो सही आंसर होगा दोस्त ये डी विकल्प, फिर इससे उपयुक्त में से एक से अधिक। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ह्यूज रोज, ठीक है ना। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। तो सही आंसर होगा 273 का हमारा बी विकल्प, ठीक इसको टिक कर लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं ये दोस्तों गरीब हटाओ गरीबी हटाओ मतलब दोस्तों ये थे हमारे इंदिरा गांधी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ठीक है ये दोस्त हो जाएगा हमारा एंटी रामाराव। तो देखिए कभी कभी एक दो आंसर भी आते रहते तो भी काम चल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 73 हो गए। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ये दोस्त उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर से दोस्त वही बात आ गई डी विकल्प। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये दोस्तों सही आंसर होगा ए विकल्प, दीनदयाल उपाध्याय। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? सही आंसर होगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। 77 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? सही आंसर होगा दोस्तों ए विकल्प, दी स्पिरिट ऑफ दी लार्ज। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? उपयुक्त में से एक से अधिक, यहां पर डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे 79 क्वेश्चन नंबर,
भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। बरदोली सत्याग्रह गुजरात, यहाँ पर डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा, सी विकल्प सॉरी। 81 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दोस्तों डी विकल्प से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली बार से दोस्तों डी विकल्प पर भी ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी। बी विकल्प इसका सही होगा, 1992 में। अगला क्वेश्चन, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था। सही आंसर होगा दोस्त हमारा 32%। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका दोस्त जो सही आंसर होगा 84 का वो होगा हमारा ए विकल्प, इसको यहाँ पर टिक करते हैं। ठीक है, मतलब विशेष विवाह अधिनियम आया हमारा 1954, दहेज निषेध अधिनियम आया 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम आया 1976, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व नियम जो आया वो दोस्तों आया था 1986 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो सही आंसर होगा दोस्त इसका डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, ठीक है, ये दोस्तों कितने लिखी थी, चलिए पूरा क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, ये लिखी थी धर्मपाल ने। ठीक है, हमारा ए विकल्प सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। सही आंसर होगा दोस्तों डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर से डी आ गया। 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प, ठीक है, एनवी रमना। तो चलिए अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, जिसका जो सही आंसर था हमारा ए विकल्प था, फास्फोरस चक्र। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर होगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। 91 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा बी विकल्प, पराबैंगनी विकिरण। 92 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, प्रत्येक कोशिका स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। सही आंसर होगा जैविक आवर्धन। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प होगा, सीमित संसाधन। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेथे मोगलोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये दोस्तों जो डी वाला विकल्प है ना, ये देखिए यहाँ पर भी डी विकल्प, यहाँ पर भी डी विकल्प, गजब का बच्चों को गलत करा इसी की वजह से। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। सही आंसर होगा दोस्तों एक दिशिक, यहाँ पर बी विकल्प से होगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। सही आंसर फिर से देखिए दोस्तों डी विकल्प यहाँ पर आ गया। 97 नंबर क्वेश्चन क्या रहा देखते हैं जरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। इसमें भी दोस्तों सही आंसर होगा डी विकल्प।
ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए विकल्प, पादप हिरण शेर। जी हाँ दोस्तों, देखिए जिन बच्चों को पादप के बारे में नहीं समझ में आ रहा था, देखिए ये पता है, ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने इंग्लिश से लगाया होगा, देखिए सिंपल तरीका था, प्लांट्स डियर लाइन, ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन था ये। जिन बच्चों ने हिंदी में पढ़ा होगा पक्का वो गलत करके आएंगे, सोच ही नहीं पा रहे होंगे ये पादप क्या होता है, ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। डी विकल्प सही आंसर होगा, इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में एक से अधिक। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, ये होगा दोस्तों हमारा आहार जाल। 102 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1%। 103 क्वेश्चन नंबर कह रहा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, अमृता देवी बिश्नोई, ये विकल्प सही आंसर है, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, ये होगा हमारा स्वपोषी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर, अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको आरोही क्रम के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर ए विकल्प होगा, पहले 13/18, 29/36, 51/60, 41/45, ठीक है, ये विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कितने वर्ग होंगे, सही आंसर है दोस्तों बी विकल्प 30। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी ये बताना, ये दोस्त होगा 22 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 400 होती है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, बड़ी संख्या लगभग, सही आंसर होगा दोस्तों 3300/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमित अनुक्रम 486 ये अगली संख्या होगी, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 96। 110 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित श्रेणी में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहां पर लाना है, इसका सही आंसर होगा हमारा दोस्तों 120, ठीक है। तो काफी बच्चों ने तुक्का भी हमारा ठीक ठाक कर लिया है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, सही आंसर होगा बी विकल्प होगा, इसको जरा देखिएगा, ये के से स्टार्ट। 112 नंबर क्वेश्चन, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं, पटना से होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कुल संभव रास्ते हैं, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बी विकल्प 20। 113 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है, सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, कोड शब्द को ये लिखा है, स्टेप को ये लिखा गया है, फिर दोस्तों इसको किस रूप में कोडित किया जाएगा, सही आंसर होगा दोस्तों हमारे यहाँ पर बी विकल्प, देख लीजिएगा लास्ट में। बस दोस्तों बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प होगा हमारा 40 पाई। अगला क्वेश्चन, समूह में से भिन्न शब्द का चुनिए, ये दोस्त दिया गया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ए विकल्प होगा पुस्तक। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4, निम्नलिखित में कौन सा 3 को दर्शाएगा, सही आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या दोस्तों 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मात्रक 11 है तो संख्याओं का योग बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 341। एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% की हानि, तब पी अनुपात क्यों होगा,
ये होगा दोस्तों डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। इसका सही आंसर होगा 214,400। ठीक है, ये सही था। तो दोस्तों टोटल आज हमने 120 क्वेश्चन इस वीडियो में देखा है। ठीक है, अगर आप लोग के आपको बता दें कट ऑफ के बारे में बात करें, तो जो बच्चे ठीक है 30+ स्कोर कर रहे हैं उनका भी दोस्तों चांस है कि नौकरी लग जाए अगर कट ऑफ को डाउन किया जाता है। तो उसका रीजन आपको बता दें, हर पेपर में 4 विकल्प होता है लेकिन इस बार पेपर में 5 विकल्प रखा गया। चौथा विकल्प दोस्तों जो बिल्कुल सही होने के चांसेस नहीं थे, लेकिन 20+ क्वेश्चन चौथे विकल्प से सही हुए, मतलब 20 क्वेश्चन जिन बच्चों को आता भी था वो भी गलत हो गया इस वजह से, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि यार एक से अधिक वाला सही होगा कि एक ही सही होगा। तो इस वजह से काफी बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो कट ऑफ मान के चलिए दोस्तों बहुत ही कम जाएगी, बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि देखिए सुपर टेट में अगर यूपी की बात करें तो वहां कट ऑफ अच्छी गई थी, आप सोच रहे हो 60-65% तक चली गई थी। वो रीजन ये था दोस्तों, वहां पर लैंग्वेज भी तो था, वहां पर हिंदी इंग्लिश भी तो था। अभी आप लोग अपने हिंदी का स्कोर करिए, इंग्लिश का करिए, क्या कम नंबर आ रहे हैं? अगर आप उनको ओवरऑल जोड़ के करेंगे तो एक अच्छा परसेंटेज बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, पेपर का लेवल ही ऐसा रखा गया था कि आपके नंबर कम किए जाए। अगर हम करें इनमें से एक से अधिक वाला जो विकल्प है, ये चौथा वाला विकल्प देखिए भी, हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ सही हो रहा है। बहुत क्वेश्चन सही होगा ये दोस्तों देखिए, जैसे ये वाला, चलिए इसमें तो आप आराम से लगा लेते हैं क्वेश्चन में टिक। अब जैसे ये वाला देखिए लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखिए, अब दोस्तों ये इसमें एक से अधिक सही होगा, इसमें कौन कौन सा सही था? ये भी सही था, ठीक है ना, और ये भी सही था। तो सिंपल सी बात है, बच्चों को फंसाने का पूरा प्रयास किया गया। अब मान लेते किसी बच्चे ने इतना देखा, उसको खटाक से टिक मार दिया थी, आगे बढ़ गया। अब उसके बाद इतना समय थोड़ी नहीं कि इसको भी भैया 2 से भाग करके 1/55/48 कर दें, तो ये भी सही हो गया। तो इस तरह आपका पेपर जानबूझकर कठिन बनाया गया। अगर आप लोग के दोस्तों मान के चलिए 30+ नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बीएड के लाखों छात्र बाहर होंगे तो बीटीसी में ज्यादा बच्चे बचेंगे नहीं। लेकिन यूपी में आपको पता ही होगा 69,000 पदों पर वैकेंसी थी, काफी ज्यादा पद खाली रह जाते अगर बीएड ना होता। तो इस बार भी यही होगा, पद खाली जाएंगे, देख लीजिएगा अभी रिजल्ट आने दीजिए। बहुत से बच्चे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के जो नंबर रहेंगे कट ऑफ, वो भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पास हो रहे हैं नौकरी के लिए तैयार रहिए, और बाकी किस्मत की बात है कि कितने बच्चे पास होते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट आपको रिजल्ट के लिए।